राणा दग्गुबाटी और वेंकटेश दग्गुबाटी, तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के दो ऐसे स्टार्स जिनकी फैन फॉलोइंग आपको ऑल ओवर इंडिया दिखाई देगी। ये दोनों स्टार्स एक साथ एक सीरीज में नेटफ्लिक्स पर आ रहे हैं। नेटफ्लिक्स ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमेशा कुछ ना कुछ नया लेकर आते हैं। इस बार भी 10 मार्च को वो एक धमाकेदार एक्शन थ्रिलर क्राइम ड्रामा सीरीज लेकर आ रहे हैं। सीरीज का नाम है राणा नायडू। हे व्यूअर्स, दिस इज अनिकेत प्रगति एंड सब्सक्राइब टू आवर फिल्मी चैनल पॉपकॉर्न प्रीव्यूज। सीरीज का ट्रेलर मैंने देखा और अब इस सीरीज को लेकर मेरे कुछ मिक्स्ड ओपिनियंस हैं। सबसे पहले सीरीज का प्लॉट समझ लेते हैं। राणा नायडू एक ऐसा इंसान है जो सेलिब्रिटीज के प्रॉब्लम्स फिक्स करता है। मतलब क्या कि ये जो रिच एंड फेमस सो कॉल्ड बॉलीवुड स्टार्स होते हैं, वो लोग कुछ ना कुछ कांड करते ही रहते हैं और उनकी गंदगी साफ करने का काम राणा नायडू करता है। यहाँ तक तो ठीक है, पर नेटफ्लिक्स ने यूट्यूब पर राणा नायडू के जो प्रोमोस डाले हैं उसमें जाह्नवी कपूर क्या कर रही है? एक तरह से ये लोग बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ की जो इमेजिनरी प्रॉब्लम्स दिखा रहे हैं। मतलब क्या कि वाकई में बॉलीवुड में ऐसा कोई प्रॉब्लम फिक्सर है तो वो बंदा तो फैशन शोज और पेपराजीज में ही अटका रह जाएगा। वाकई में बॉलीवुड में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है भाई। एनीवेज, सीरीज़ के आगे के प्लॉट की तरफ बढ़ते हैं तो इस स्टोरी में एंट्री होती है नागा नायडू की, राणा नायडू का बाप। राणा का ये बाप अपनी सज़ा पूरी होने से पहले ही जेल से रिहा हो जाता है और दोनों बाप बेटे के बीच में कोई राड़ा शुरू हो जाता है। अब ऑब्वियस ही बात है कि ये पूरा फैमिली ड्रामा देखने के लिए आपको सीरीज़ देखनी पड़ेगी। फैमिली ड्रामा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सीरीज़ में जितने भी प्रोमिनेंट एक्टर्स हैं और वो जो कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं वो सब एक ही फैमिली के दिखाए गए हैं। सीरीज़ की जो कास्ट है वो नो डाउट बहुत ज़्यादा तगड़ी है। राणा दग्गुबाटी और वेंकटेश दग्गुबाटी कमाल के एक्टर्स हैं ही। राणा का ये यंग एंग्री डैशिंग कैरेक्टर अच्छा लग रहा है और उनको वो सूट भी करता है, पर नागा वाला कैरेक्टर उतना इंप्रेसिव नहीं लगता। ऑब्वियसली वेंकटेश दग्गुबाटी कमाल के एक्टर हैं और उनकी डायलॉग डिलीवरी भी ट्रेलर में मस्त लग रही है। हर एक डायलॉग में वो यही जता रहे हैं कि मैं तुम सबका बाप हूँ, बट फिर भी कहीं ना कहीं चीज़ें थोड़ी ऑफ ट्रैक लग रही हैं क्योंकि क्राइम थ्रिलर जैसे जॉनरा में आप फैमिली ड्रामा ऐड कर दो तो वो ऑडियंस को कितना अपीलिंग लग सकता है पता नहीं, क्योंकि सीरीज के सारे कैरेक्टर्स फैमिली ट्री का ही हिस्सा हैं। सपोर्टिंग एक्टर्स भी ज़बरदस्त हैं। सुरविंद चावला, सुशांत सिंह, अभिषेक बैनर्जी, आशीष विद्यार्थी, ये सब लोग इंडियन वेब सीरीज दुनिया के बादशाह लोग हैं और सारे कैरेक्टर्स ऐसे ही किसी का भाई, किसी का चाचा, ससुर, किसी की बहू वाले कैरेक्टर्स हैं। और एक अहम मुद्दा ये है कि ये सीरीज एक रीमेक है। 2013 में आई एक अमेरिकन टीवी सीरीज रे डोनोवान इसका ऑफिशियल इंडियन अडेप्टेशन है। उस सीरीज के पूरे 7 सीजन आ चुके हैं, हर एक सीजन में लगभग 12 एपिसोड्स, तो काफ़ी लंबी सीरीज थी वो और उस सीरीज को कई सारे नॉमिनेशंस और अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। अब ये अमेरिकन सीरीज का इंडियन अडेप्टेशन कितने अच्छे से चलता है, लोगों को किस तरह पसंद आता है, ये जानेंगे 10 मार्च को नेटफ्लिक्स पर।